ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂ ਹੀਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਹੀਰੋ ਹੈ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਯੇ ਮੈਚ ਹੁਆ ਕਿਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੈਚ ਹੁਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਗੇਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਬਗੈਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫਲੇਵਰ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਫੈਨਸ ਹੈ ਆਪ ਉਨ ਫੈਨਸ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਆਜ ਹੈਡਿੰਗਲੀ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਔਰ ਕਿਆ ਵੋ ਬੇਚਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਜੈਸੇ ਵੋ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸਾ ਥਾ ਜੋ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਵਿਰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਕੀ ਇਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਸ ਬੈਡਲੀ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਗੇਮ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਦ ਵਰਲਡ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਗਿਵ ਦੈਮ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਅਭੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮੋ ਪੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਇਨਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ ਆਜ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਥਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨਿਕਾਲ ਥਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮੈਚ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ तो हमने इस मैच में जो गलतियां की उनके हवाले से भी बात करते हैं सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इतने ज्यादा रन्स इस विकेट पे देने नहीं चाहिए थे जब मैच स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने बड़ा शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान को पहले पावर प्ले में दो विकेट्स उनके ले लिए थे और लग ऐसा रहा था कि बीच में भी जब हमने कुछ विकेट्स ली तो कुछ ऐसा लग रहा था कि 200 के अंदर पाकिस्तान उन्हें कंटेन कर लेगा लेकिन अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली और वो 200 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए और वो ये जानते थे कि अगर इस पिच पे 200 से ऊपर स्कोर किया तो हमारे पास इतना क्वालिटी स्पिन है देखें उनके जो स्पिन अटैक है उसमें राशिद खान और मुजीब जो हैं राशिद खान दुनिया के तीसरे नंबर पे आईसीसी रैंकिंग में है मुजीब इज ऑल्सो आई थिंक इन द टॉप 10 तो मेरे ख्याल में उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच बना सकते हैं हमारे से जो गलती हुई मेरे ख्याल में सरफराज ने बीच में एक दफा फिर वहाब रियाज को अंडर बॉल किया आई डोंट नो वो क्यों अंडर बॉल कर रहे हैं उनको अभी तक वहाब रियाज ने इस वर्ल्ड कप में वो पूरे 10 ओवर नहीं करा पाए मुझे लगता है और इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा जो डिफरेंस पाकिस्तान की फॉर्च्यून्स में पड़ा है वो डाला ही वहाब रियाज ने क्योंकि वो जो पैशन लेके आते हैं ना विकेट कॉलम में आपको इतने विकेट नहीं नजर आते खैर इस वर्ल्ड कप में तो बहुत सारे कैचेस भी ड्रॉप हुए और भी बहुत सारे रीजन है लेकिन मुझे लगता है कि वहाब इज नॉट एन अंडर अचीवर रादर ही इज वेरी अंडररेटेड ही इज अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट और शायद वो ऑस्ट्रेलिया के पास होता तो मैं मजाक नहीं कर रहा उसको वो बहुत अच्छा संभाल के रखते और उसको बॉलर बना देते ही इज द बेस्ट डेथ एंड मिडल ओवर्स बॉलर वी हैव और मेरे ख्याल में बड़े मैचेस में वहाब पाकिस्तान के लिए जो है आज भी उन्होंने शो किया इवन व्हेन ही केम आउट टू बैट वो हम बाद में बात करेंगे बट एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं अनलाइक जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर जिनसे हमें कुछ तवक्कोआत थी एक तो टीम से बाहर हो गए दूसरे साहब अभी बात करते हैं इनके बारे में तो पाकिस्तान की बॉलिंग की हम बात करते हैं बॉलिंग में हमने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी हमें जो है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम अगर 5 आउट कर लेते हैं 30 ओवर्स में तो बाकी 5 जो हैं और लोअर ऑर्डर जो है अफगानिस्तान का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें उनको इतने ज्यादा रन बनाने देने चाहिए थे हम पूरी टीम को आउट नहीं कर पा रहे हम ओपोजिशन के 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट नहीं कर पा रहे ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक वरिंग साइन है इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स से ये चलता आ रहा है खास तौर पे 2019 में जो स्टैट्स हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं है ये चीज जो है वो थोड़ी सी कप्तानी की आपकी वीकनेस शो करती है आई थिंक सरफराज जब 4-5 विकेट उन्हें मिल जाती हैं तो वो थोड़ा सा बॉक डाउन हो जाते हैं वो कहते हैं कि इजी सिंगल्स दे दो कोई बात नहीं बाउंड्रीज रोको वहां पर उन्हें ही हैज टू गो फॉर द किल नो मैटर व्हाट चाहे शाहीन है चाहे आमिर है चाहे वहाब है उनके आपको ओवर खत्म कराने हैं आखिरी 3 ओवर आपका कोई भी कर लेगा लेकिन उनको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए सरफराज को बड़े मैच में
यही चीजें काउंट करती हैं और यही जो 10 से 12 रन होते हैं वही आपके लिए क्रूशल बन जाते हैं। शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फाइनली ही इज बॉलिंग ऑन द लेंथ ही शुड बी बॉलिंग, और उसमें चाहे वो वसीम अकरम की उसने बात सुनी है या आजम महमूद ने उस पर काम किया है, जिसने भी किया है क्रेडिट टू देम। लेकिन जो ज्यादा हमें इधर एक्नॉलेज करना चाहिए वो शाहीन की अपनी स्किल्स हैं कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको वो बैक कर रहा है। देखें, एक जो नया यंगस्टर जो होता है वो टीम के अंदर जो है ना एक पैशन लेके आता है, बिकॉज ही हैज दिस हंगर, यू नो, वो हंगर हमें हसन अली और शादाब में खत्म होती नजर आई। इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी का वर्ल्ड कप में इंक्लूजन बहुत जरूरी था और ही हैज नाउ प्रूव्ड। आप फील्डिंग में देखें वो कितनी जान मार रहा होता है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है। एक चीज और कि जब 50 ओवर खत्म हुए तो हमारे प्लेयर्स एक दूसरे को जफियां डाल रहे होते हैं और मुबारकें दे रहे थे, जिस तरह हम पता नहीं हम मैच जीत गए हैं, which was very surprising for me to see, you know, अभी गेम बाकी है। आप एक अगर बॉलर ने चार विकेटें ले ली, यू मस्ट कंग्रेचुलेट हिम, बट देर इज अ वे, आप उसको गले मिल रहे हैं और द वे देवर, यू नो, एक दूसरे को वो इस तरह कर रहे थे कि जिस तरह मैच इज ओवर फॉर देम, और हमने आखिर में देखा कि कैसे मैच फंसा के हमने निकाला है वहां से। तो ये थोड़ी सी अप्रोच में बड़ी टीम्स में, और यू नो जी बिल्कुल। तो जब पाकिस्तान को ये टारगेट मिला जो कि बहुत बड़ा नहीं था और क्या राय यही थी कि हम बहुत आराम से कर जाएंगे, लेकिन समाओ हम इकट्ठे मैच देख रहे थे और हमें डर था कि 200 से ऊपर जो भी स्कोर लगेगा मुश्किल होगी, चाहे बैटिंग विकेट थी लेकिन विकेट जो भी थी स्पिन कर रही थी। और पाकिस्तान के साथ ये मसला है कि हमारी जो ओपनिंग है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे जाके तो हम बहुत बड़े बड़े रन बनाते हैं, लेकिन जब प्रेशर थोड़ा सा भी आ जाए तो ये होता है फखर वंस अगेन, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। बहुत ज्यादा या तो टीम मैनेजमेंट ने उनको सर पर चढ़ा रखा है या उनको ये अश्योरिटी दी गई है कि आप कुछ भी कर लें आप टीम से बाहर नहीं होंगे। इस अप्रोच के साथ जहां दुनिया के जितने ओपनर्स हैं, वर्ल्ड कप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बड़ी खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेल पाते हैं, और एक से ज्यादा खेलने वाला तो बहुत ही खुशकिस्मत होता है। तो फखर जमान अपने लिए बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे, उनको मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी इस वक्त फॉर्म में नहीं है और चांसेस शायद अब ये लग रहे हैं कि हो सकता है उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पता नहीं उनको क्या ऐसी अश्योरिटी दी रखी है कि वो कहते हैं कि ठीक है चलो आगे मैचेस आपके, अगर आप अल्लाह करे हम बड़े आराम से बांग्लादेश से जीत जाएं और उसके बाद अगर हम सेमी खेल पाते हैं तो हमें ये काम नहीं करना होगा कि भाई इसी आगने कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं, बल्कि आपको बहुत इंटेलिजेंटली सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा वंस अगेन, क्योंकि वहां पे सब डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। अगर आप हफीज को खिला रहे हैं तो उसको ओपन करा लो, फिर आप डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। अगर आप वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो आपको देखना है उनको आप कहां फंसा सकते हैं, जैसे आज पिच थी, हो सकता है फिर हो सकता है चाहे वो आउट ऑफ शॉट्स नजर आ रहे हो, सकता है आप मलिक को लेके आ रहे हो और उसे कहीं दरमियान में एडजस्ट कर रहे हो हफीज वाले नंबर पे, देयर हैज टू बी समथिंग। या अगर कोई एशियन टीम हमें टकरती है इंडिया तो हमें स्नैन को खिलाना पड़े उस नंबर पे। मेरे ख्याल में अभी से इनको ये माइंड मेकअप करना चाहिए एंड दे मस्ट डू दैट। देखें, हम बैटिंग फर्स्ट में तो पाकिस्तान टीम फिर थोड़ी अच्छी नजर आती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम हमेशा से चेज में रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो एक बहुत ही तगड़ा बॉलिंग अटैक था उसके खिलाफ हमें नजर आया कि हमारे एक प्लेयर ने सेंचुरी की और दूसरे ने उसके साथ पार्टनरशिप लगाई। इट्स सिंपल एज दैट, टॉप फोर में से किसी एक बैट्समैन को 100 रन करने हैं। सारी दुनिया की टीमें यही कर रही हैं, आप जितनी भी बड़ी टीमों को देख लें अगर वो मैच जीतते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेज, रन चेज की बात कर रहा हूं, उसमें एक प्लेयर को लंबी नहीं खेलनी है, उसको एंकर करना है, बस सिंपल है। T20 क्रिकेट एक अलग है, उसमें 30-30 रन 40 रन बड़े काउंट करते हैं कि जी 6 प्लेयर ने 30 बना दिए, लेकिन इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जो लंबी क्रिकेट है 50 ओवर की, उसमें आपके एक बैट्समैन को यू नो अनसेल्फिश होके खेलना है, ये 40 रन बना के ये नहीं सोचना कि बस हो गया मेरा काम। और आज जैसे इमाम किया, शॉकिंग शॉट थी, शॉकिंग, इट वाज अनबिलीवेबल, भाई तेरा रोल ही नहीं है तो क्या कर रहा है यार। एब्सोल्युटली, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, बॉल कहीं पे चो रहा है और आप उसको घुमा रहे हैं कि मैं पता नहीं स्टेडियम से बाहर फेंक दूंगा। इट वॉज नीडलेस,
जब इमाम आउट हुआ उसकी वजह से बाबर को पिक के ऊपर भी प्रेशर आया, बाबर दो प्लेड अ रेकलेस शॉट, कोई जरूरत नहीं थी वो स्वीप मारने की, लेकिन ऐसे ही होता है जब आपका बैटिंग का रिदम टूटता है तो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होता है फिर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्ड अप। बिल्कुल, और हफीज की कुछ बात करना चाहेंगे, मैं उनको हमेशा सेल्फ क्लेम्ड प्रोफेसर कहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं काशिफ जर्नलिस्ट हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये अजमल उनकी छेड़ के लिए कहते थे, लेकिन यहाँ पे रमीज राजा ने या जो हमारे बाकी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट क्रिटिक्स हैं, उन्होंने शायद उसको सीरियस ले लिया, क्योंकि कोई प्रोफेसर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जिसको गेम की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, जिस तरह वो आउट हो रहा है बार बार, इट इज एम्बैरसिंग। 18-19 साल से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, आप वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टीम को, और एक सीनियर खिलाड़ी से ये तवक्कोआत होती हैं कि आप उसको एंकर करेंगे, और पाकिस्तान के लिए ये नंबर चार की पोजीशन बहुत क्रूशल है, क्योंकि इस पोजीशन पे आप आते हैं मिडल ऑफ द इनिंग्स में, और उस वक्त जो है वो सिंगल्स निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर टीम मैनेजमेंट ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है तो कुछ सोच के डाली है कि आप स्पिन के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको बताना भी है, आप तो फिंच जैसे, फिंच कोई स्पिनर है, आई मीन इज ही अ बॉलर, विलियमसन कोई बॉलर है, उसने तो सोचा भी नहीं होगा कभी कि मैं हफीज को आउट कर लूंगा। आप उसको खामखा में जो है वो विकटें दिए जा रहे हैं, विच इज वेरी सैड टू सी। हफीज की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आना लाजमी है इन द बिगर गेम, अगर नहीं आएगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो सरफराज ने किया बीइंग अ कैप्टन, वेरी वेरी रेकलेस सेकंड रन, अ सुसाइडल रन, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। आई डोंट नो के एक कप्तान होते हुए वो कैसे सोच सकता है ऐसा रिस्क ले। ही इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम विराट कोहली, वो मेरा ख्याल है उनकी विराट कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखते हैं, लेकिन वो ऑफ द फील्ड विराट कोहली की ट्रेनिंग की वीडियोस नहीं देखते। तो कोई उन तक उनकी वो वीडियोस पहुंचाए, You need to be as fit as him, you know. There is a difference. सरफराज थोड़ा लेजी नजर आते हैं, थोड़ा तो नहीं कह रहे, कैच उसने अच्छा किया, कप्तान है पाकिस्तान टीम के, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी, लेकिन आपने वो बिल्कुल बिल्कुल सरफराज का वो नीडलेस रन था, इतनी ये इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेंटली यू आर प्रेजेंट देयर। उस वक्त इमाद के साथ वो सरफराज खड़े होते तो हम तब भी मैच जीत जाते। तूने अभी लेजी होने की बात की भाई, तो उसमें हारिस की भी हमें बात करनी चाहिए। हारिस इज सच अ एलिगेंट प्लेयर, लेजी एलिगेंस है उसकी शॉट्स खेलते हुए, लेकिन भाई गेम खेलते हुए तो हारिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि ही इज आवर सेकेंड बेस्ट बैट्समैन आफ्टर बाबर। देखें वो बिल्कुल ऐसी है, और हारिस से बहुत ज्यादा तवक्कोआत हो गई लोगों को कि उसने क्योंकि और नया भी नहीं है। अच्छा मैं एक और भी सॉरी बात करूं, मैचेस उसके थोड़े कम है जी, लेकिन भाई 2015 का वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो ये लेजी जो है ना, लेजीनेस वो आपको यू नो इतनी बड़ी स्टेज पे एलिगेंस में तो चले ठीक है हो सकती है, लेकिन स्पिनर को खेलते हुए आप लेजी, वो भी राशिद खान जैसे स्पिनर को जो मारता ही फ्लिपर है, पता है आपको वो तेज गेंद करेगा, ये तो आप टीवी पे जो बच्चा घर में बैठ के देख रहा है उसे भी पता है वो कैसे बॉल करेगा। बहरहाल जी, सबको बहुत बहुत मुबारक, द वे वहाब एंड इमाद डिड इट। आगे एक बड़ा अहम मैच है जो कि है इंडिया और इंग्लैंड का, और मुझे हैरानगी ये है कि बहुत सारे अच्छे क्रिकेटिंग माइंड्स ऑलरेडी इस तरह की बात करें, कुछ फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी बात की कि जी वैसे तो इंडिया जो है वो जानबूझ के ही हार सकता है, क्योंकि वैसे तो वो नहीं जीत सकते इंग्लैंड। भाई खुदा के वास्ते आप इंग्लैंड और इंडिया की पिछले सारे मैचेस उठा के देख लें एक साल में, और वो बासित अली साहब ने ये भी कहा, मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मैं नहीं उम्मीद करता था कि वो इस तरह की बात करेंगे। उन्होंने कहा 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड भी एक मैच जो है वो इसलिए हारी थी कि वो पाकिस्तान से सेमीफाइनल खेलना चाहती थी। आई मीन ये किस तरह की बात है, आप मतलब मैं ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है कि कोई क्लब लेवल की कोई लीग आते भी, ये सब चीजें बिकती हैं असल में। मैं तुझे बताऊं ये अपनी वीडियो वायरल करने के लिए ये जानबूझ के टीवी पे बैठ के सर की बात कर देते हैं ताकि रेटिंग मिले, अब वो वीडियो बार बार शेयर हो रही है ठीक है, बट वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए क्यों, क्योंकि यार देखो एनी डे इंग्लैंड कैन बीट इंडिया, इंग्लैंड कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कैन बीट पाकिस्तान, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड की ठीक है, वो अभी
हारे श्रीलंका से, पाकिस्तान से हारे हैं, बट यू नेवर नो इफ दे प्ले गुड क्रिकेट या इंडिया प्लेज बैड क्रिकेट. जरूरी नहीं इंटेंशनली खेलना हो, बस कभी आपका दिन नहीं होता है. तो जो भी है मैच बहुत बड़ा है, स्पेशली जो वर्ल्ड कप की अब कंडीशंस बन गई है ना, जो पिचेस धूप लग रही है, सब कॉन्टिनेंट पिचेस वो कंडीशंस जिनको हम कहते हैं 220-240 रन वाले मैच, कितने जबरदस्त और यही एक्साइटिंग क्रिकेट होती है. वर्ल्ड कप का मजा यही है. ये क्या मैच हुआ कि जी 350 बना दिया और दूसरी टीम ने जो है वो चेज कर लिया, ये भी कोई क्रिकेट है? तो यही जो क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में हो रही है यही हम देखना चाहते थे. और आई एम ग्लैड कि ऐसे मैचेस हुए हैं और मजीद मैचेस जो आने वाले दिनों में होने हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे. इंडिया इंग्लैंड के मैच पे सबकी नजरें होंगी. बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, वी वुड लव टू यू नो सी आवर नेबर्स विन, बिकॉज दिस विन विल बी वेरी क्रूशियल फॉर अस. और बाकी जो उस दिन अच्छा खेलेगा जीत उसी के नसीब में होगी. या विशिंग द टीम व्हिच प्लेज वेल, द टूर्नामेंट इज वाइड ओपन. उम्मीदें बहुत सारी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से. इफ दे डू वेल अगेंस्ट बांग्लादेश तो हो सकता है कि आगे एक सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया से मुलाकात हो जाए. By the way, अफगानिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान आर ऑन द फोर्थ स्पॉट नाउ, सो उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है. और वेल डन बॉयज, बहुत बहुत मुबारक. नफल मांग लिए गए अख्तर मुबारक शाह, मुझे तो ये याद करते नहीं. व्हाट एग्जैक्टली इट मींस यू कैन टेल अस, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड वी विल बी बैक वेरी सून.